मूवी के स्टार्ट में इंडिया और पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा होता है। पाकिस्तान इंडिया से एक गोल से आगे होता है और मैच में सिर्फ 2 मिनट और 4 सेकंड होते हैं, और जब मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हो तो वो मैच सिर्फ एक मैच नहीं रहता। दोबारा खेल शुरू होने पर बॉल इंडिया के पास होता है और कबीर गोल मारने वाला होता है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर उसके पैरों में हॉकी मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिस पर रेफरी इंडिया को एक पेनल्टी स्ट्रोक देता है। मैच को जीतने का इंडिया के पास सिर्फ एक यही मौका था। स्ट्रोक को कबीर खान खेलता है और वो पूरे जोर से स्ट्रोक खेलता है, लेकिन बॉल गोल के ऊपर से निकल जाती है। ये देखकर कबीर गुस्से में चिल्ला उठता है, लेकिन पाकिस्तान वाले खुशी मनाने लगते हैं। पूरे स्टेडियम में पाकिस्तानी लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इंडियन टीम अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। मैच के बाद जब कबीर पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ मिलाता है तो एक न्यूज वाला उनके गले लगने की तस्वीर खींच लेता है। स्टेडियम के बाहर बहुत ज्यादा न्यूज वाले होते हैं। एक न्यूज वाला कहता है कि सिर्फ आपने ही इंडियन कैप्टन से हाथ मिलाया था, क्या आपने इंडिया को जान के हराया है? क्या इंडिया की हार के पीछे पैसों का मामला तो नहीं? ये सुनकर कबीर खान उसे मारने लगता है। जाते हुए वह न्यूज वाला कहता है कि हारी हुई टीम का कप्तान न्यूज को मारने से भी निबाज आया। कबीर खान देशद्रोही है या नहीं, ये हम जनता पे छोड़ते हैं। अगले दिन कबीर खान के नाम के साथ गद्दार शब्द जुड़ चुका था और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी लग चुकी थी। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे इस साले को तो उल्टा लटका देना चाहिए। कबीर और उसकी माँ को अपना वो घर छोड़ना पड़ता है जो उसके दादा ने पाई पाई जोड़ कर लिया था। उनके घर के बाहर गद्दार लिख दिया गया था। उसकी माँ उसे पीछे देखने से मना करती है, जिस पर वो कहता है कि मैं आप सब देखूंगा। जाते हुए सब पड़ोसी वहाँ खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उनसे बात तक नहीं की। स्टोरी 7 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हॉकी एसोसिएशन की मीटिंग चल रही होती है। उत्तम सिंह उनसे कहता है कि वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और मैं पूरे इंडिया से सबसे बेस्ट हॉकी खेलने वाली 16 लड़कियों को सिलेक्ट कर चुका हूँ। इस पर वो कहते हैं कि ये चकला बेलन चलाने वाली लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हॉकी खेलेंगी और कौन सा कोच इनकी कोचिंग करके अपना करियर डुबाएगा। कबीर उसी ऑफिस के बाहर बैठकर बोतल के ढक्कन से हॉकी खेल रहा होता है और कहते हैं अटैक हमेशा गोलकीपर के दिमाग पे करो, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। कबीर उस रूम में आता है और कहता है कि मैंने 7 साल 3 महीने और 14 दिन इस मीटिंग का इंतजार किया, मैं बनूंगा वुमेन्स हॉकी टीम का कोच। वो कहते हैं कि ये टीम यूरोप के स्कूलों की टीम से भी हार जाएंगी, और बातों बातों में वो उसे इंडिया पाकिस्तान की हार का इशारा देते हैं, लेकिन क्योंकि कोई और नहीं होता तो वो कबीर को कोच बना देते हैं। स्टेडियम में लड़कों को हॉकी खेलते हुए देखकर कबीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उत्तम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि मैं इस टीम को वर्ल्ड कप दिलाने आया हूँ। अगले दिन इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था। इसका नाम है विद्या शर्मा, जिसकी शादी हो चुकी है और अपने घर वालों से जिद करके हॉकी खेलने आई है। इसका नाम है बलबीर कौर, जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। इसका नाम है कोमल, जो बहुत ही कमाल की और हर जगह हॉकी खेलती है, चाहे सड़क ही क्यों ना हो। इसका नाम है बिंदिया, जो कि सबसे एक्सपीरियंस्ड और सीनियर प्लेयर है और ये पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुकी है। वर्ल्ड कप में हॉकी खेलने के लिए मुसलमान, तेलुगु, नेपाली और झारखंड से भी लड़कियां आती हैं। बिंदिया इन सब में सबसे ज्यादा टेढ़ी थी। एक प्लेयर लेट आते हैं, जिसको कबीर खान कहता है कि इंडियन हॉकी टीम में लेट आने वालों के लिए कोई जगह नहीं, जिस पर कृष्णा जी उन्हें बताती हैं कि ये एक स्टेट टीम की कैप्टन है। तो कबीर उससे कहते हैं कि अगर तुमने 7 मिनट में 10 राउंड लगा लिए तो तुम इस टीम में आ सकती हो। सब लड़कियां अपना नाम और स्टेट बता रही होती हैं कि कबीर उन सबको बाहर निकालने लगता है, लेकिन जब दिव्या अपने नाम के साथ इंडिया बोलती है तो वो कहता है कि जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। कबीर कहता है कि इस टीम में आप सबसे पहले इंडिया के लिए खेल रहे हो, फिर अपनी टीम के लिए खेल रहे हो और फिर अपने लिए खेल रहे हो। और फिर वो लेट आने वाली लड़की थकी हुई आती है और अपना नाम प्रीति और स्टेट चंडीगढ़ बताती है। ये हॉकी में पूरी टीम से सबसे ज्यादा अच्छी थी। अपने रहने के कमरे में जाने पर कुछ लड़कियां आपस में दोस्त बन रही होती हैं और कुछ दूसरों को तंग कर रही होती हैं। कोमल प्रीति के पास जाती है और उससे कहती है कि ये मेरा बेड है, लेकिन लिस्ट पे यहाँ प्रीति का नाम था। कोमल का प्रीति से झगड़ा हो जाता है और उसके लड्डू नीचे गिर जाते हैं। इनकी दुश्मनी अभी से शुरू हो जाती है। कबीर सुबह होने से पहले सब लड़कियों को स्टेडियम में बुलाता है और उनसे कहता है कि 25 करोड़ लड़कियों में से तुम सब सबसे बेस्ट हॉकी प्लेयर्स हो, लेकिन कौन बेस्ट है इसका फैसला मैं करूंगा। जिसके बाद वो उनको 10 किलोमीटर की दौड़ लगवाता है। कोमल प्रीति से जानबूझ के पंगे ले रही होती है और बिंदिया और उसका ग्रुप इस नए कोच के खिलाफ होने लगा था। पहले दिन बिंदिया कोच की बात ना मानकर अपनी मनमानी करती है, जिस पर वो उसे बाहर निकाल देता है और वो बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जबकि सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रीति बहुत अच्छी हॉकी खेलती थी और वो जब अपना पहला गोल मारती है तो कबीर भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन कोमल को ये देखकर जलन होती है। जब कोमल के पास बॉल आती है तो वो प्रीति को पास नहीं करती, जबकि प्रीति ज्यादा अच्छी पोजीशन पे होती है और कोमल अपना पहला गोल करती है, लेकिन अब प्रीति की तरफ से भी जंग छिड़ चुकी थी। कबीर उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि ये क्या था, जिस पर कोमल कहती है कि उसने भी तो गोल मारा, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। जिस पर कबीर कहता है कि जब उसने गोल मारा था तब उसके आसपास कोई नहीं था। ये कहकर वो उसे भी निकाल देता है। अब 2 प्लेयर्स बाहर हो चुके थे। बलबीर को खेलते हुए एक लड़की पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर कबीर उसे भी बाहर निकाल देता है और ऐसे ही वो और भी प्लेयर्स को बाहर निकाल देता है। प्रैक्टिस खत्म होने पर कृष्णा जी उनसे कहते हैं कि बस कर दें, जिस पर कबीर कहता है कि इनको हॉकी सिखाने से पहले कुछ और सिखाना है। बिंदिया जब सोने जाती है तो वो देखती है कि रूम का नक्शा ही बदल चुका है। कृष्णा जी उसे बताते
बताती हैं कि कोच साहब ने कहा कि सब बच्चे लिस्ट के मुताबिक सोएंगे। अब कबीर विद्या के लिए उसका दुश्मन बन रहा था। विद्या को उसके घर वाले बार बार कॉल करके वापस बुला रहे होते हैं, जिस पर कबीर उसे 2 दिन की छुट्टी देता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं घर चले गई तो दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर कबीर बहुत खुश होता है। अगले दिन भी कोच उन सबको ग्राउंड से बाहर रखता है। जब बलबीर कोच से अपने प्रैक्टिस में वापस आने का कहती है तो वो उसे उस लड़की से माफी मांगने भेजते हैं और वो मांगती भी है। प्रीति का गेम इतना अच्छा होता है कि कोमल भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो अपने कोच के पास आती है और वो उसे प्रीति से माफी मांगने भेजता है। माफी मांगने के बाद वो भी प्रैक्टिस में वापस आ जाती है। अब टीम अपनी फॉर्म में वापस आ रही थी, लेकिन बिंदिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात को बिंदिया सब लड़कियों को कबीर खान वाले इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि लोग कहते हैं कि इसने अपने देश को बेच दिया था। वो ये बातें इसलिए करती है क्योंकि वो सब लड़कियों को कोच के खिलाफ करना चाहती थी। प्रीति का एक मंगेतर था जो कि खुद भी इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन था। वो उसे कहता है कि छोड़ो, तुम कहां हॉकी के मैच खेलने जा रही हो, मुझसे शादी करो और मेरी बीवी बनो। प्रीति को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके घर वाले ने उससे पूछे बगैर ही उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी थी। अगले दिन बिंदिया भी कोच से माफी मांगकर प्रैक्टिस में वापस आ जाती है, लेकिन असली प्रैक्टिस तो अब शुरू होनी थी। वो उनसे हॉकी की बॉल से हर तरह की प्रैक्टिस करवाता, हर तरह की एक्सरसाइज करवाता और उनसे गुस्से में और तेज होने का कहता। वो सब लड़कियों पर भड़कता है और उनसे कहता है कि 5 सेकंड से ज्यादा अपने पास बॉल कोई नहीं रखेगा। और प्रीति को गुस्से से कहता है कि बॉल को आगे बढ़ाना है, खुद आगे नहीं बढ़ना। और बलबीर से कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, पहले अपना खेल ऊंचा करो फिर अपनी आवाज ऊंची करो। बिंदिया एक लड़की को धक्का देती है, जिस पर कबीर उससे गुस्से में कहता है तुम्हारा काम उनको बाहर करना नहीं बल्कि उनको मैच खिलाना है। और वो उसका बाजू खींच कर कहता है कि हर टीम में सिर्फ एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक लड़की बेहोश हो जाती है, जिस पर कबीर थूक फेंक कर कहता है कि ये है इंडिया की सबसे बेस्ट हॉकी की टीम जो इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाएगी। जो एक टीम बनकर नहीं खेल सकती वो देश का झंडा क्या ऊंचा करेंगी। सही कहते हैं एसोसिएशन वाले, ये चकला बेलन चलाने वाली लड़कियां क्या ही हॉकी खेलेंगी। इसके बाद कबीर उनको दोबारा प्रैक्टिस करवाता है। रात को लड़कियां बहुत ज्यादा थक जाती हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाती हैं। ये देखकर बिंदिया सबसे कहते हैं कि हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। अगर कोई फेलियर है तो वो है, अपनी टीम को हरा दिया और अपने देश को भी बेच दिया, अब कल से कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। और सारी लड़कियां उसकी हां में हां मिलाती हैं। कृष्णा जी कबीर से कहती हैं आज बहुत ज्यादा हो गया, लड़कियों में इतनी ताकत नहीं है, इस तरह तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर कबीर कहता है मैं ताकत नहीं मैं नियत ढूंढ रहा हूं और एक टीम बनाने के लिए मेरी दुश्मनी बहुत छोटी कीमत है। अगले दिन विद्या कबीर को एक एप्लीकेशन देती है और उनसे कहती है कि लड़कियां आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहती। कृष्णा जी कहती हैं कि मैं एक थप्पड़ दूंगी, जिस पर बिंदिया कहती है हम क्यों, हमने थोड़ी देश को बेचा है। जिस पर कबीर को एकदम से गुस्सा आता है और उसका हाथ उठ जाता है, लेकिन वो उसी वक्त रुक जाता है। वो कहता है कि मैंने 7 साल इंतजार किया कि मैं उस वजह को हरा सकूं जिसकी वजह से मैं हारा था, तुमने आज फिर से मुझे हरा दिया। तुम्हें तकलीफ इस चीज से है कि मैंने तुम्हें टीम बनकर खेलने पर मजबूर किया और दुख तुम लोगों से हारने का नहीं बल्कि अपने देश से हारने का है। और वो कहता है कि इस टीम के कोच के तौर पर मैं रिजाइन करता हूँ। उस रात सभी लड़कियां बहुत उदास होती हैं। अगले दिन कबीर सब लड़कियों को बुलाता है और उनसे कहता है आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है तो यहाँ के स्टाफ को मैं खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ, अगर आप भी आना चाहो तो आ जाओ। सब लड़कियां आ जाती हैं और कबीर को जैसे किसी चमत्कार के होने का इंतजार था। कुछ लड़के वहाँ उनको छेड़ रहे होते हैं, जिस पर वो उन लड़कों को पकड़ लेती हैं और उनको बहुत ज्यादा मारने लगती हैं और बलबीर उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। ये देखकर उन लड़कों के दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जिस पर सारी लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और वो उन सब लड़कों को मारना शुरू कर देती हैं। कृष्णा जी खड़ी होती हैं लेकिन वो उनको बैठने का कहता है। लड़कियों के अंदर जैसे किसी चीज का गुस्सा सा भरा हुआ था और वो सब अपना वो गुस्सा उन लड़कों पर निकाल रही थी। एक लड़का बैट लेकर पीछे से मारने लगता है कि कबीर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मर्दों की तरह सामने से वार करो क्योंकि हमारी हॉकी में छक्के नहीं होते। लड़कों को बहुत ज्यादा मारने के बाद जब वो वहां से भाग जाते हैं, सभी लड़कियां अपने कोच के सामने कुछ कहे बगैर आकर खड़ी हो जाती हैं। अब बिंदिया भी कुछ नहीं बोलती और कबीर खड़ा होकर काला चश्मा लगाता है और कहता है कि कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। और इस मूवी की असली कहानी अब शुरू होती है। अब सब लड़कियां हर सुबह अपने कोच के साथ दौड़ लगाने जाती और कबीर अब उन सबको नए तरीके से हॉकी सिखा रहा था। अब वो सब ताकत बढ़ाने जिम भी जा रही थी। शाम को अपने कोच के साथ हॉकी की स्ट्रेटेजी सीखती और रात को हॉकी के मैचेस देखकर अपनी गलतियां सुधारती। प्रीति अपने मंगेतर से दोबारा मिलती है और उससे कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है। जिस पर वो कहता है कि तुम वर्ल्ड कप जीतो या हारो तुम मेरी ही बीवी बनोगी। ये सुनकर प्रीति कहती है कि देख लेंगे। कबीर विद्या को टीम का कैप्टन बनाता है। सब लड़कियां खुश होती हैं लेकिन बिंदिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो खुद कैप्टन बनना चाहती थी। कृष्णा जी कबीर से कहते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए बिंदिया का टीम में रहना मुझे सही नहीं लग रहा, जिस पर कबीर कहता है कि टीम की सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को वर्ल्ड कप से पहले टीम से निकालना भी तो सही नहीं होगा ना। कबीर कृष्णा जी को अपना सिल्वर मेडल निकाल कर दिखाता है और उनसे कहता है कि बस मैं किसी तरह इसको गोल्ड में बदलना चाहता हूँ। एसोसिएशन वाले कबीर से कहते हैं कि हम लड़कियों को नहीं सिर्फ लड़कों को वर्ल्ड कप में भेज रहे हैं। वो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो लाते हैं लेकिन लड़कियां तो 2-4 मैचेस में ही बाहर हो जाती हैं। जिस पर कबीर कहता है कि एक मैच हो जाए लड़कियों की टीम में और लड़कों की टीम में, अगर आप जीते तो जीते लेकिन अगर मेरी टीम जीती तो आप उसे वर्ल्ड कप में भेजोगे। सब लड़कियां ये सोचकर बैठी हुई थी कि वो लड़कों से बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली,
लेकिन कबीर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम ऐसे खेलना या वैसे खेलना, बस इतना याद रखो कि तुम्हारा 16 लड़कों से नहीं बल्कि उन सबसे मुकाबला है जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं। उन सबको बता दो कि अगर लड़कियां तुम्हें पैदा कर सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। जब लड़कियां मैच खेलने के लिए स्टेडियम में जाती हैं तो लड़के अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उनको घूरना शुरू कर देते हैं। एसोसिएशन वाले भी उनका मैच देखने आते हैं। गेम शुरू होने पर बॉल पहले लड़कियों के पास होता है, लेकिन लड़के उनसे बहुत ही आसानी से बॉल छीन लेते हैं और पहला गोल करते हैं। वो उनसे मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाती और वो गिरना शुरू हो जाती है, और फिर लड़कों का दूसरा गोल और फिर तीसरा गोल हो जाता है। कबीर को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, लेकिन एसोसिएशन वाले मैच देखना ही नहीं चाहते थे। वो कबीर से कहते हैं कि हमने आपसे बोला था कि इनके बस का कुछ नहीं है, लेकिन यही बात सब लड़कियों पर असर कर जाती है। सेकंड हाफ में लड़कियों को मैच ना हारने के लिए कम से कम भी 3 गोल चाहिए थे, लेकिन अब उनका गेम बदल चुका था। दिव्या 2 गोल ब्लॉक करती है और प्रीति पहला गोल मारती है और दूसरा गोल कोमल मारती है, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है तो वो मैच हार जाती है। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा मैच खेला था कि सब लड़के उनके लिए तालियां बजाते हैं और एसोसिएशन वाले भी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। सब लड़के उनके सम्मान में अपनी हॉकीज उठाते हैं और लड़कियां अपने कोच के सम्मान में अपनी हॉकीज उठाती हैं, और कबीर भी मुस्कुराते हुए अपनी टीम के सम्मान में हॉकी उठाता है। ये देखकर एसोसिएशन वाले टीम को वर्ल्ड कप में भेजने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद उत्तम कबीर से चिल्लाते हुए कहता है वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम पूरी तरह से तैयार थी और वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है। पहले तो वो सब घूमती फिरती है और उनके लिए वहाँ छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी बात थी। सब लड़कियां एक टीम थी और सबकी जैकेट के पीछे इंडिया लिखा हुआ था। इंडिया का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, जो कि पहले भी 7 दफा हॉकी का वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। मैच से पहले सब लड़कियां घबराई हुई थीं। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला गोल करता है, फिर दूसरा गोल करता है और फिर तीसरा गोल करता है। इस मैच को जीतने की लड़कियों की उम्मीद टूट चुकी थी। बलबीर एक खिलाड़ी को नीचे गिरा देती है और रेफरी से बहस करने की वजह से वो मैच से बाहर हो जाती है। एक लड़की के पास बॉल आता भी है, लेकिन वो बिंदिया से पूछती है कि मैं क्या करूं, जिस पर बिंदिया कहती है कि जाके अपने कोच से पूछ। फर्स्ट हाफ में ऑस्ट्रेलिया के पास 5 गोल थे। प्रीति एक भी गोल नहीं कर पाती, लेकिन जब कोमल के पास बॉल आता है तो वो प्रीति को पास नहीं करती और गोल करते करते खुद गिर जाती है, और ऑस्ट्रेलिया फिर से गोल करता है। वो इंडिया को 7 गोल से बहुत बुरी तरह से हराते हैं। अब लड़कियों में वर्ल्ड कप की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। कबीर बिंदिया से कहता है कि तुमने जो आज किया है उसकी वजह से अब तुम किसी भी वर्ल्ड कप के मैच में नहीं खेलोगी, जिस पर बिंदिया कहती है कि उसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। वो अपने बाल खोलकर अपनी जैकेट की जिप खोलकर कहती है, जो उसने कैप्टन बनने के लिए किया है वो मैं उससे भी ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, बताइए मैं क्यों नहीं कैप्टन बन सकती। जिस पर कबीर उसकी जिप बंद करता है और कहता है कि इसका जवाब तुमने खुद ही दे दिया, और बिंदिया इस बात को बहुत ज्यादा फील करती है। इसके बाद कबीर स्टेडियम में जाकर बैठता है और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जीता हुआ सिल्वर मेडल निकाल कर देखता है। उसे देखकर कबीर को वो सब याद आता है जो उसके साथ हुआ था। अगली रात सब टीम्स पार्टी कर रही थी, लेकिन इंडियन टीम अपने कोच के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। इंडिया का अगला मैच इंग्लैंड से था और वर्ल्ड कप में रहने के लिए ये इंडिया की आखिरी उम्मीद थी। बहुत कम लोग मैच देखने आए थे क्योंकि सबको लग रहा था कि इंडिया हारने वाला है, लेकिन अब इंडिया का गेम ही बदल चुका था। वो सब उनके प्लेयर्स को ब्लॉक करते हैं और गोलकीपर के साथ 3-3 खिलाड़ी गोल रोकने के लिए खड़े होते हैं। फर्स्ट हाफ में दोनों टीम्स का एक भी गोल नहीं होता और सेकंड हाफ में इंडिया की टीम गोल करने के बजाय गोल रोक रही होती है। जब मैच में बहुत कम टाइम रह जाता है तो प्रीति को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। वो बिना किसी को पास किए अकेले ही आगे बढ़ते हुए गोल मार देती है और प्रीति बहुत ज्यादा खुश होती है। ये उसकी एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी जो सही हो गई। इसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता था। मैच के आखिरी 20 सेकंड गुजरने के बाद इंडिया जीत जाता है और पूरी टीम खुशी मनाती है। कबीर सबको शाबाशी देता है, लेकिन प्रीति को नहीं, और वो इसकी वजह जानती थी। अब इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम कोई मामूली टीम नहीं थी और उनकी ज्यादा मुश्किल प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। अगले मैच में इंडिया स्पेन से 1 गोल से जीतता है और ये गोल कोमल ने किया था। जब साउथ अफ्रीका से मैच होता है तो पहला गोल प्रीति मारती है और उसे खुश होता देखकर कोमल को जलन होती है, और दूसरा गोल वो मारती है और इंडिया अफ्रीका से 2 गोल से जीतता है। ना कोमल प्रीति को बॉल पास कर रही थी और ना प्रीति कोमल को बॉल पास कर रही थी, और ये बात कबीर को बहुत परेशान कर रही थी। इंडिया न्यूजीलैंड से भी 1 गोल से जीत जाता है। अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे था और क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से था। ये टीम अपने पिछले मैचेस में 7 खिलाड़ियों की हड्डियां तोड़ चुकी थी। मैच शुरू होता नहीं कि वो इंडिया की लड़कियों को मौका मिलते ही मारकर नीचे गिराना शुरू कर देती हैं। रेफरी उनका कुछ भी नहीं कहता और कबीर चाहते हुए भी अपनी टीम की मदद नहीं कर पाता। फर्स्ट हाफ में दोनों टीम्स के 0 गोल थे। बहुत सी लड़कियां जख्मी हो चुकी थी। कबीर उनके पास आकर उनसे गुस्से में कहता है कि वो तुम्हें 1 मारे तुम उन्हें 2 मारो, और आज तुम उन्हें इतना मारो कि उन्हें हॉकी पकड़ने से भी डर लगे। प्रीति और कोमल के रास्ते में जो भी है तोड़ डालो उन सालों को। बलबीर को इसी मौके का इंतजार था। मैच शुरू होते ही वो उन सबको टक्करे मारना शुरू कर देती है। बलबीर स्टेडियम में ऐसे थी कि जैसे कोई खुला सांड छोड़ दिया हो। थोड़ा सा ही टाइम रह जाता है कि कोमल एक बहुत प्यारा गोल मारती है और इंडिया 1 गोल से मैच जीत जाता है। अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ चुका था। अगला मैच कोरिया से था और उनकी स्ट्रेटेजी मैन टू मैन मार्किंग थी, यानी कि वो मैच खेलते हुए दूसरी टीम के हर प्लेयर के साथ अपना एक प्लेयर लगा देते थे। दिव्या कहती है कि हमारे पास मैन टू मैन मार्किंग तोड़ने वाला कोई भी नहीं है, जिस पर कबीर बिंदिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने सही कहा था, तुम में वो बात है जो बाकी सब में नहीं है। बिंदिया पहले तो गलत समझ लेती है, लेकिन फिर
फिर कबीर उसको हॉकी देता है। वो कहता है कि सिर्फ तुम अकेली हो जिसे मैन टू मैन मार्किंग तोड़नी आती है, और आज इंडिया को उसके सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की जरूरत है। इंडिया का सेमीफाइनल कोरिया से था और हमेशा की तरह उनका हर खिलाड़ी इंडिया के एक एक खिलाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था और वो उनको खेलने ही नहीं दे रहा था। लेकिन फिर एक खिलाड़ी बिंदिया को अपनी जगह देती है और वो बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी से हॉकी खेलती है। वो वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए अपना पहला गोल करती है। इसके बाद इंडिया कोरिया को एक भी गोल नहीं करने देता और वो एक गोल से मैच जीत जाता है। बिंदिया तो खुश थी ही, लेकिन कबीर और कृष्णा जी उससे भी ज्यादा खुश थे। और कुछ ही दिन पहले ये बिंदिया को टीम से बाहर निकालना चाहते थे। पूरे स्टेडियम में हिंदुस्तानी खुशी मना रहे थे और इंडिया की टीम अपने कोच कबीर खान को हवा में उछाल रही थी। अब इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम पहली दफा पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे थी। अब इंडियन वुमेन्स टीम के फैन बन रहे थे। रात को कबीर स्टेडियम में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। जब विद्या पूछती है तो वो कहता है, मैं पहली दफा किसी गोरे को इंडिया का तिरंगा लहराते हुए देख रहा हूँ। दोनों फाइनलिस्ट टीम्स के सम्मान में पार्टी रखी जाती है और इंडिया की पूरी टीम साड़ी पहनकर आती है। कबीर कोमल और प्रीति को स्टेडियम में बुलाता है और उनसे कहता है कि कल का मैच हम हारने वाले हैं। वो समझती है कि कबीर खान ने कल का मैच फिक्स कर दिया है, लेकिन कबीर कहता है कि वर्ल्ड कप के अलावा तुम दोनों का अलग ही मैच चल रहा है। क्या उनको ये बात नहीं पता कि इंडिया के दो सबसे मेन प्लेयर्स एक दूसरे को बॉल पास नहीं करते? क्या वो तुम्हारी इन बेवकूफियों का फायदा नहीं उठाएंगे? तुम दोनों में जो भी है अब उसको खत्म करो। एक दफा इसी तरह इंडिया एक मैच हार गया था और उस हार का बोझ कितना भारी है ये तुम्हें क्या किसी को भी नहीं पता। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो उस हार के बोझ को सह सके। कल इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी और हो सका तो तुम दोनों के खिलाफ भी खेलेगी। अगले दिन हॉकी के वर्ल्ड कप का मैच था और स्टेडियम में हजारों लोग आए हुए थे। अभी इंडिया का झंडा ऑस्ट्रेलिया से नीचे था। मैच से पहले कबीर लड़कियों के पास जाता है और उनसे कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैच कैसे खेलना है, बल्कि तुम ये मुझे मैच खेलकर बताओगी। तुम्हारे पास आज 70 मिनट हैं और आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि ये 70 मिनट अगर इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट हॉकी खेल गया तो ये 70 मिनट तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जाओ पूरी दुनिया से और उन सबसे जिन्होंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया उनसे ये 70 मिनट छीन लो। इसके बाद सब लड़कियां अपने कोच के हाथ पर अपने हाथ रखती हैं और इसी तरह स्टेडियम में हाथ उठाकर चक दे का नारा लगाती हैं। हजारों हिंदुस्तानी ये मैच देखने आए थे और कबीर भी इस मैच के लिए बहुत जोश में था। मैच शुरू होते ही बॉल इंडिया के पास होता है और प्रीति बहुत ही प्यारे अंदाज से मैच का सबसे पहला गोल मारती है, जिस पर पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश होती है और कबीर की वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा की तरह ये देखकर कोमल को जलन होती है। इसके बाद दिव्या एक गोल ब्लॉक करती है और फिर कोमल के पास बॉल आता है। ये जानते हुए भी कि प्रीति गोल मारने की बहुत अच्छी पोजीशन पे है, कोमल उसको बॉल पास नहीं करती, जिसके बाद बॉल ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाता है और वो अपना पहला गोल करता है। अब दोनों टीम्स का एक एक गोल था और मैच खत्म होने में सिर्फ 28 मिनट थे। 15 मिनट बाद ऑस्ट्रेलिया एक और गोल मार देता है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से एक गोल पीछे था और मैच खत्म होने में 9.5 मिनट बचे थे। मैच खत्म होने वाला होता है कि किस्मत से बॉल कोमल के पास आ जाता है। गोलकीपर गोल ब्लॉक करने उसके आगे आ जाता है, लेकिन कोमल बिल्कुल आखिरी वक्त में प्रीति को बॉल पास करती है और प्रीति गोल मार देती है, जिसके बाद प्रीति कोमल को उठाकर खुशी से गले लगा लेती है। कबीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। दोनों टीम्स को 5-5 स्ट्रोक मिलने थे और जौन सी टीम ज्यादा गोल कर गई वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। कबीर अपने सबसे बेस्ट प्लेयर्स को बुलाता है कि प्रीति अपना स्ट्रोक कोमल को दे देती है, जिस पर कोमल को दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है। पहला स्ट्रोक खेलने पर इंडिया का गोल ब्लॉक हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पहला गोल होता है। उसके बाद फिर से इंडिया का गोल ब्लॉक हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया का फिर से गोल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया 2 गोल आगे था और अब मैच की टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगले स्ट्रोक पे कोमल गोल कर देती है और ऑस्ट्रेलिया का गोल ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इंडिया का फिर से गोल हो जाता है। अब दोनों टीम्स फिर से बराबर थी और ऑस्ट्रेलिया के पास एक स्ट्रोक इंडिया से ज्यादा था। ऑस्ट्रेलिया का अगला गोल भी ब्लॉक हो जाता है, जिस पर पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके बाद स्ट्रोक था बिंदिया नायक का। माहौल बहुत ज्यादा सस्पेंस वाला हो जाता है, लेकिन वो बहुत कमाल का गोल मारती है और एक दफा फिर से बिंदिया नायक की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होने से बच जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया का आखिरी स्ट्रोक था और इंडिया उससे एक गोल से आगे था। दोस्तों एक कहावत है कि किसी भी चीज के अंत में आकर उसके शुरुआत की याद आ ही जाती है। कबीर को वो सब याद आता है जो उसके साथ इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को हारने के बाद हुआ था। जब विद्या अपने कोच की तरफ देखती है तो वो उसे इशारा करके शांत रहने का कहता है। अब माहौल पहले से भी ज्यादा सस्पेंस वाला था और किस्मत से विद्या आखिरी गोल ब्लॉक कर लेती है, जिस पर इंडिया की पूरी टीम खुशी से भागते हुए स्टेडियम में आ जाती है और एक पूरी खामोशी के बाद पूरे स्टेडियम में हिंदुस्तानी खुशी से पागल होने लगते हैं। वर्ल्ड कप जीतने पर सब लोग खुश थे, लेकिन कबीर खान का क्या? 7 साल अपने देश से गद्दारी करने का झूठा इल्जाम सहने के बाद अब उसके अच्छे दिन शुरू हुए थे। उसे इतनी खुशी होती है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो दिन याद आता है जब उसकी टीम ने उसके सम्मान में अपनी हॉकीज उसकी तरफ उठाई थी। आसमान में शुरलियां पटाखे फूट रहे होते हैं और पूरा स्टेडियम इंडिया का जीतने की खुशी मना रहा होता है और आखिरकार इंडिया को वर्ल्ड कप मिल जाता है और पहली दफा वुमेन हॉकी टीम की वजह से इंडिया का झंडा पूरी दुनिया में सबसे ऊपर पहले नंबर पे था और पूरे स्टेडियम में कबीर का सर सबसे ज्यादा फखर से ऊंचा था। वापस इंडिया जाने पर हजारों लोग उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन टीम को छोड़कर पूरा मीडिया कबीर खान को
ढूंढ रहा होता है। लेकिन कबीर खान वो अपने पुराने मोहल्ले में वापस जाता है और अपनी माँ के लिए सब लोगों के सामने अपने घर का दरवाजा खोलता है। एक बच्चा उसके घर के बाहर लिखे हुए गद्दार को काट रहा होता है कि कबीर खान मुस्कुराते हुए उसको अपनी हॉकी निकाल कर देता है, जिसके बाद पूरे मोहल्ले के लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, जिसके बाद कबीर खान अपने घर में आकर दरवाजा बंद कर देता है। प्रीति का मंगेतर उसे वापस आने पर पब्लिक में खुलेआम शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर प्रीति कहती है कि सब कुछ तुम्हारे बारे में ही था, मुझे तुम्हारी बीवी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दिव्या की अपने ससुराल में इज्जत आसमानों को छू रही थी। जब कोमल अपने माँ बाप से मिलती है तो उसके पापा उसे एक हॉकी वेलकम बैग गिफ्ट में देते हैं और उससे कहते हैं, बेटा जी भर के हॉकी खेल, अब मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। और बात की जाए बलबीर की तो वो अपने गुस्से पर काबू पा चुकी थी। और इस तरह मूवी का बहुत अच्छा एंड होता है।